नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हुमायूं टॉम्ब। चलिए हम आपको अंदर की सैर कराते हैं और बाहर की एंट्री गेट को भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है। आपको बता दें यहाँ की फीस के बारे में, 40 रुपये प्रति व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश है। यहाँ पर अपने टिकट की वेरिफिकेशन की जाती है, तभी देखिए एंट्री मिलती है यहाँ से। चलिए हम एंट्री करके आपको आगे की उसको बताते हैं। हेलो, अब हम आ गए हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर। चलिए अब सैर करते हैं यहाँ के मोनूमेंट को देखते हैं। एक राइट साइड में आपको गेट दिख रही है, एक इस तरफ सामने की तरफ। पता करते हैं राइट साइड में कौन सी गेट है। आपको बता दें कि ये ईसा खान का मकबरा है। आप देख सकते हैं इसको, ये ईसा खान का मकबरा है। चलिए हम आपको इसके पास से लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। सामने से धूप आ रही है। चलिए मैं आपको इसके पास दिखाते हैं क्या है। ये ईसा खान जी का मकबरा है, आपको अंदर लेके चलते हैं। ये ईसा खान जी का मकबरा है, देख सकते हैं आप इसको, देख सकते हैं आप। ऊपर साइड के छज्जे को देख लीजिए आप, आपको ये जो सामने देख रहा है, ये बू हलीमा गेट है। इनका इसके आगे की तरफ लेफ्ट साइड में इनका टॉम्ब बना है, आपको उसको दिखा देते हैं। ये साइड बू हलीमा का मकबरा बना हुआ है, जो कि हमको लगता है कि ये अभी बंद है। तो चलिए हम आपको हुमायूं के मकबरे की तरफ ले चलते हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, ये अरब सराय गेट है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो मकबरा बनाने वाले लोग आए थे ईरान से, वो यहाँ पर रहते थे। इसके बारे में आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप इसको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जो अरब सराय गेट के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर इस मकबरे को बनाने वाले लोग रहते थे। आप देख सकते हैं ये रहा उनके रहने का ये स्थान था।
चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये देख लीजिए, ये अरब दरवाज़ा, अरब सराय दरवाज़ा जहाँ लोग रहते थे यहाँ पर। अब हम चलते हैं हुमायूं टॉम की तरफ। अब हम आ गए हैं हुमायूं के मकबरे के गेट के सामने। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं, देख लीजिए आप। चलिए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है इसमें। ये लाल पत्थर हैं और कहीं कहीं इसमें संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ कुछ प्रदर्शनी लगी हुई है, कुछ दिखाया गया है। अच्छा, ये तो अवशेष देख रहे हैं, कुछ मटकी, कुछ मिट्टी की चीज़ें आप देख सकते हैं। ये ईसा खान मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त कुछ अवशेष हैं, आप देख सकते हैं इसको। कुछ खिलौने दिए रखे गए हैं, ये देखिए, ये सारे खिलौने हैं, ये सब खिलौने हैं। ये एक मटकी है, इसको देख सकते हैं आप। और टेराकोटा के अवशेष कुछ रखे गए हैं ये सब, और आपको इस तरफ दिखा दे गए हैं। ये मिट्टी के कुछ बर्तन हैं, ये देख लीजिए आप। ये कुछ, ये भी मिट्टी के बर्तन हैं, और आप देख लीजिए इनके भाई साहब। चलिए और आपको दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ के नायक को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ के मैप, पूरा डायरेक्शन बताया गया है कि आप कहाँ से क्या एंट्री करना है, कौन सी स्मारक कहाँ पर स्थित है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जगह, ये ईसा खान जी का मकबरा है, और उसके सामने वाली वो जो आप देख रहे हैं वो हुमायूं का मकबरा है। बीच में आपको ये देख लीजिए जो रास्ते में था, ये वाला स्थान, ये अरब सराय दरवाज़ा है और अरब सराय गेट है। चलिए अब हम ऐसे आगे बढ़ते हुए, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस गेट पे, और आगे बढ़ते हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। चलिए ओके, ये पश्चिमी द्वार है, बता देखिए, ये पश्चिमी द्वार है हुमायूं के मकबरे का, पश्चिमी द्वार। चलिए मैं आपको बता दें, वो जो ज्वालिया बनी थी कैसे बनी है, देख सकते हैं। ये पत्थर है, पत्थर के बाद इसका थोड़ा सा डिजाइन किया गया, फिर ऊपर ना थोड़ी सी डिजाइन की गई, धीरे धीरे ये काटते काटते अब यहाँ पर थोड़ा सा कटा, अब जाके ये पूरा फाइनल ये तैयार हो गया है, ये जाली पूरी, ये पत्थर की पूरी है। वहाँ से उसकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे यहाँ आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसके बाद ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये जो जालियाँ दिख रही हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो जालियाँ दिख रही हैं, ये जालियाँ आप यहाँ भी जो जालियाँ यूज की गई हैं, ये कैसे बने हैं उस समय, इनकी प्रोसेस को बताई गई। चलिए हम आगे चलते हैं, अब हम आपको उस मोनूमेंट को सामने दिखाने जा रहे हैं जिसका काफ़ी लंबे समय से आपको इंतज़ार था, अब आप उसको देख सकते हैं। ये रहा हुमायूं का मकबरा।
चलिए अब हम आपको इसको करीब से दिखाने की कुछ कोशिश करते हैं। आप इसके बारे में कुछ जानकारियां ले सकते हैं। देख लीजिए, ये हुमायूं का मकबरा 1565 से 72 के बीच में बना है। अब हम आपको उसके हुमायूं के मकबरे के पास ले चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लाल बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर के द्वारा निर्मित किया गया है। ये यहाँ पर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाया जा सकता है। आपको भी बता दें, ये देख लीजिए, ये लाल पत्थर है, बगल में संगमरमर का यूज किया गया है। आपको बता दें, अब हम आ गए हैं हुमायूं के मकबरे के ऊपर, एक फ्लोर पर आ गए हैं। अब आपको इसके पास से दिखा देते हैं ये। चलिए आपको अंदर ही लेके चलते हैं। अंदर जाने के लिए देख लीजिए आप यहाँ के चारों तरफ के व्यूज को। ये रहा उत्तरी द्वार, देख सकते हैं आप द्वार इसके अंदर। इस तरफ भी कुछ मकबरे बने हैं, इस तरफ भी सामने। यहाँ थोड़ा अंधेरा सा है, आपको दिखा दें, ये रहा हुमायूं का मकबरा। आपको बता दें, जो जालियों के बारे में बात कर रहे थे, वो ये जालियाँ थी जो 3-4 प्रोसेस के बाद तैयार की गई थी। ये जालियाँ ये देख लीजिए आप देख सकते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ के सिक्योरिटी लोग बोल रहे हैं कि अब ये बंद होने वाला है, तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए इस नज़ारे को, इस गार्डन को देख सकते हैं आप, और इस मकबरे को, आलीशान है, बेमिसाल है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम वापस चलते हैं। आप देख सकते हैं ये लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है, और अंदर जो क्या कहते हैं मकबरा था, वो प्योर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अंदर कई सारे मकबरे बने थे जो अलग अलग लोगों के थे। अब किससे किसके थे ये मालूम ना है, पर बीच वाला जहाँ तक मेरे को पता है वो हुमायूं का ही होगा।
हुमायूं का ही था, सॉरी। आप देख सकते हैं मकबरे को, बाहर भी कुछ मकबरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके। आप इस बाहर के नज़ारे को देख लीजिए, कितना सुनहरा है ये नज़ारा। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं, चलिए हम एक बार फिर आप देख सकते हैं।